हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकन। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है कलिका सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य। मीन्स हेमचंद्राचार्य द ओमनिसेंट वन इन कलयुग और काली युग। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हेमचंद्राचार्य जो आचार्य मुनि है वो कितने महान जैन स्कॉलर थे, पोएट थे और पॉलीमैथ थे, यानी कि वो ग्रामर भी लिखते थे, फिलोसोफी भी लिखते थे, प्रोसोडी भी लिखते थे और कंटेम्पररी हिस्ट्री भी लिखते थे। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। पूरा का पूरा वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमें, और आगे भी हम वीडियोस बनाते रहेंगे, उसमें ग्रामर भी कवर अप होगा। सबसे पहले हम लोग चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, बाद में ग्रामर पोर्शन। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य इज वेल रेप्यूटेड इन कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात। ऑन फुल मून डे ऑफ द मंथ ऑफ कार्तिक In Vikram Samvat 1145, he was born in Dhanduka in Ahmedabad district. His name was Changadev. At the age of 8, he was consecrated by Devchandra Suriji Maharaj at Khambhat. He was known by name Somchandra. At the age of 21, he acquired the position of Suri. He was designated as Suri and was known by name Hemchandra Suri. He studied different faculties of learning, and expertised all the lores available in his time. He bestowed various faculties of learning with his own compositions. Because of his vast knowledge, he was entitled as Kalika Sarvagna. हम इंट्रोडक्शन में क्यों इतना वक्त लेते हैं, क्योंकि जो भी मैच द फॉलोइंग होता है, फिर इसमें से जो छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं या तो कोई शॉर्ट नोट है तो इंट्रोडक्शन पोर्शन में आपको वो मिल जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी हम साथ में प्रिपरेशन करेंगे, और अगर आप बोर्ड एग्जाम्स अभी नहीं दे रहे हो तो भी ये हमारी जो हिस्ट्री के लिए, जो गुजरात के अंदर कल्चरल हिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जो वेल रेप्यूटेड थे, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, वो थे हेमचंद्राचार्य। सो ये हम सभी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। बात करते हैं कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य काफ़ी फेमस थे कल्चरल हिस्ट्री ऑफ गुजरात के लिए। पूर्णिमा के दिन कार्तिक मंथ था, विक्रम संवत 1145 था, और धंधुका करके अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक विलेज है, वहाँ पर वो बोर्न हुए थे। सबसे बचपन का नाम था चंगदेवा। जब 8 ही साल के थे तब उसने दीक्षा ले ली, और उसके गुरुजी का नाम था देवचंद्र सूरी महाराज। खंभात के अंदर दीक्षा ग्रहण की, जो जैन मोंक बनने की जो प्रोसीजर होती है उसको दीक्षा बोलते हैं, और फिर वहाँ से नाम चेंज हो गया, सोमचंद्र हो गया। जब वो 21 ईयर्स के थे तब वो सूरी पोजीशन पर आए थे, काफ़ी कम उम्र में उसने सूरी की पोजीशन ले ली थी और बन गए थे हेमचंद्र सूरी। डिफरेंट अलग अलग जो उस टाइम पर जो अवेलेबल लिटरेचर था, वेरियस सब्जेक्ट्स थे, उसमें एक्सपर्टाइज किया, काफ़ी अच्छे से लर्निंग प्रोसीजर की और सभी चीज़ों को सीखने के लिए उत्साह दिखाया। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन थे, इसीलिए कलिका सर्वज्ञ नाम से नॉमिनेट किया गया, इसीलिए नाम बना कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। Having conquered King Bhoja of Malwa, Sidraj Jaisi, with abundant wealth and prosperous storage of books,
returned to Ahalyapur, Patan. A group of learned went there to welcome him. Under the leadership of Hemchandra Suri. यानी कि किंग भोज जो मालवा के किंग थे वो और सिद्धराज जयसिंह महाराज दोनों के बीच में काफ़ी फाइट हुई और सिद्धराज जयसिंह फिर सब कुछ जीत जाते हैं, पैसा, प्रॉपर्टीज़ और साथ में एक बड़ी सी लाइब्रेरी जो किंग भोज ने बनाई थी तो वो भी उसके पास आ जाती है, तो फिर उसको अहल्यापुर पाटन लेकर जाते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को वो वेलकम करते हैं और लीडरशिप किसको देते हैं, हेमचंद्र सूरी को. इट इज सेड कीर्ति ही यस्य सह जीवति, ही हु हैज एक्वायर्ड फेम रिमेन्स अलाइव थ्रू डेड. सच इंस्पायरेबल फेम इज ऑब्टेन नॉट बाय वेल्थ बट बाय. बाद भी ख्याति चाहिए होती है, फेमसनेस चाहिए होती है, फेम चाहिए होता है, तो क्या करना पड़ता है, पैसा तो होगा या ना होगा तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सरस्वती यानी कि पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी. सिद्धराज जयसिंह वो हैड रियलाइज दिस फैक्ट रिक्वेस्टेड हेमचंद्राचार्य टू कंपोज लिटरेरी वर्क रिलेटेड टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. सिद्धराज जयसिंह महाराज को पता चल गया कि हमारे लिए सरस्वती भी इतनी इम्पोर्टेंट है, तो हेमचंद्राचार्य महाराज को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे लिए थोड़ा काम करो लिटरेचर के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर. ही ऑनेस्टली रिक्वेस्टेड हिम टू राइट अ वंडरफुल वॉल्यूम ऑफ संस्कृत ग्रामर, और बोला कि आपके पास काफ़ी नॉलेज है तो आप संस्कृत ग्रामर अच्छे से लिखो. दिस वॉल्यूम इज नोन एज अ सिद्ध हेम शब्दानुशासन. ये जो वॉल्यूम था उसका नाम था सिद्ध हेम शब्दानुशासन. The lesson presented here is prepared keeping in mind this event of cultural history of Gujarat. और आज भी ये हमारी जो cultural history of Gujarat है उसमें काफ़ी well famous thing है और वही lesson को यहाँ पर present किया है. The fact that one wishing to preserve his fame should worship literature is focused here. कि हमें हमारा अगर फेम ऐसे ही रखना है, लोग हमें पूजे या तो हमारा लिटरेचर पर फोकस करें, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपके पास स्टडी होना चाहिए, लक्ष्मी होना चाहिए, सरस्वती होना चाहिए. अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं. विक्रमस्य द्वादश्याम शताब्द्याम सिद्धराज जयसिंह मालव विजयम कृतवान विजयांतरम जयसिंह नृपते यशो वर्मणः सर्वधनम गृहीत्वा अहल्यापुरम प्रत्यागतवान धनेन सह तत्रत्यः ग्रंथागारोपी तस्य हस्तगतो जातः. अस्मिन् ग्रंथागारे बहुनुपमाः ग्रंथाः आसन तेषु भोजेन विरचितं सरस्वती कंठाभरणा नाम नामना प्रसिद्धं भोजव्याकरणमपि एकतम आसीत. विक्रम द्वादश्य शताब्दम यानी कि जब 12th सेंचुरी चल रही थी विक्रमादित्य के समय पर या तो एरा में, तब की बात है. सिद्धराज जयसिंह द किंग ऑफ अहल्यापुर पाटन है. मालव विजयम यानी कि मालवा पर विजय प्राप्त करना, कृतवान यानी कि एक विजय प्राप्त करना, कृतवान यानी कि एक बनाव बनना, विजयांतरम यानी कि हमने पहले भी बात की कि जो एक मालव विजय है तो वो है कि मालवा पर राज करना, और विजयांतरम है कि उसके बाद का जो झगड़ा होता है उसमें हम जीत जाते हैं. वो नृपते यशोवर्मन यानी कि जो किंग यशोवर्मा है उसकी बात हो रही है. सर्वम धनम जितनी भी वेल्थ थी वो सब कुछ ले लेना. गृहित्वा यानी कि उसको घर पर लेकर जाना. अहल्यापुरम यानी कि एक अहल्यापुर करके एक एंसेंट टाइम पर जो पाटन है अभी का उसका नाम था अहल्यापुर, जो नॉर्थ गुजरात में है.
प्रत्यक्तवान यानी कि केम्बिक, धनेन सह यानी अलोंग विथ, वत्रत्य यानी कि बिलोंगिंग टू द दैट प्लेस, ग्रंथागार यानी कि जो लाइब्रेरी थी वो, यानी कि नॉलेजेबल हाउस भी आप बोल सकते हो, तस्य हस्तगत च यानी कि केम टू हैंड, तो वो भी उसके साथ में आ गई थी। तो फिर है बहुवो अनुपमा यानी कि बहवः प्लस अनुपमः, मैनी इनकम्परेबल जो थिंग्स थी उसकी बात हो रही है। सरस्वती कंठभरणा नामना प्रसिद्धम यानी कि फेमस बाय द नेम ऑफ सरस्वती कंठभरणम। भोज व्याकरणमपि यानी कि ग्रामर कंपोज बाय द किंग भोज। एकत मम यानी कि ऑफ द मैन, कितने सारे लोगों में से। सिद्रा जैसी कंक्वर्ड मास्टरी ऑफ द एरा स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य। After the conquest, Jayasi returned to Ahilyapur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library, there were many incomparable treatises. Among them, one was also Bhuj Vyakranam, famous by the name of Saraswati Kantha Bharanam. Composed by King Bhoj. तो सिद्धराज जयसिंह ने 12th सेंचुरी के एरा में रूल कर रहे थे मालव पर, विक्रमादित्य के एरा में, और फिर जयसिंह अहल्यापुर सब कुछ लेकर वापस आए, साथ में लाइब्रेरी भी लेकर आए, पैसे भी लेकर आए, वेल्थ भी, और एक बुक थी सरस्वती कंठ भारणम करके जो किंग भोज ने लिखी थी, तो वो भी साथ में लेकर आए। एकदा सिद्धराजः विचार पथम, विचार यानी कि थिंकिंग जो होता है वो आरूढ़, तो वह थिंक करना स्टार्ट किया, आरूढ़ यानी कि शुरुआत की। सह अचिंतयत मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वं प्राप्तवान तस्य ग्रंथागारः अपि मया प्राप्ता, परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादशी कीर्ति वर्तते त्रादशी कीर्ति मया न प्राप्ता, कि मुझे ये जैसे भोज व्याकरण को फेमसनेस मिली है, इतनी मुझे क्यों नहीं मिली, तो मुझे भी ऐसी कीर्ति प्राप्त करनी है। अतः तत् एतादृश किमपि करणीयं येन मदीया कीर्तिरपि त्रादशी भवेत यादृशी भोजस्यास्ति, कि मुझे भी ऐसी अगर चाहिए फेमसनेस तो मैं क्या करूं, वंसनेस तो मैं क्या करूं। वन सिद्रा स्टार्टेड थिंकिंग ही थॉट आई सिक्योर्ड द ओनरशिप ऑफ द वेल्थ बाय कंपेयरिंग मालवा, आई आल्सो गॉट देयर लाइब्रेरी, बट द काइंड ऑफ फेम दैट भोज गॉट बाय द भोज व्याकरणम हैज नॉट बीन वॉन बाय मी, सो आई शुड डू समथिंग लाइक इट बाय विच माई फेम विल ऑल्सो बी लाइक That of भोज। मुझे कुछ ऐसा करना ही चाहिए कि जैसे भोज व्याकरण को इतनी फेमसनेस मिली है, उसी तरह मेरा भी फेम एज इट इज रहे। एवं विचारस्य सह जैन मुनि आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान निवेदितवान च अयि आचार्य वर्या भवन्तो भोज व्याकरण सदृश एकम व्याकरणम वरचयन्तु येन भवतां मम च अमरा कीर्ति भवेत इति। दस थिंकिंग ही केम टू द जैन सेक्ट, आचार्य हेमचंद्र एंड ऑनर कंपोज वन वर्क ऑफ ग्रामर लाइक भोज व्याकरण बाय विच द फेम ऑफ योर्स एज वेल एज माइंड बी विल बी इमोर्टल, कि हे रिस्पेक्टेड पर्सन या तो कि साधु संत जैन मुनि आचार्य हेमचंद्राचार्य, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, तो जैसे भोज व्याकरण लिखा गया उसी तरह आप भी मेरे लिए कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन या तो लिखो, कि जिसकी वजह से आपका भी फेम एज इट इज़ रहे और मेरा भी रहे। सिद्धराजस्य जयसिंहस्य निवेदनं प्रेरिता हेमचंद्राचार्य एकम पूर्वं व्याकरण ग्रंथं रचितवन्तः। और फेम की जो बात की तो सिद्धराज जयसिंह ने, तो हेमचंद्राचार्य ने बोला कि चलो ये यूनिक वर्क मैं ग्रामर में लिख देता हूँ।
सः सिद्ध हेमचंद्राचार्य व्याकरणम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति और नारी व्याकरणम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति और नाम देंगे सिद्ध हेम व्याकरण। अस्मिन् अष्टौ अध्यायाः सन्ति तेषु प्रारंभिकेषु षष्टुषु अध्यायेषु संस्कृत भाषायां अन्तिमयो द्वयो अध्यायो प्राकृत भाषाणां च व्याकरणम् अस्ति और संस्कृत प्राकृत भाषा में भी ट्रांसलेशन किया। प्रॉम्प्टेड बाय द रिक्वेस्ट ऑफ सिद्धराज जयसिंह हेमचंद्राचार्य कंपोज अ यूनिक वर्क ऑफ ग्रामर द ट्रस्टीज इज फेमस बाय द नेम सिद्ध हेम व्याकरण। In this, there are 8 chapters. Among them, in the first 6 chapters, there is the grammar of Sanskrit language. And in last 2 chapters, there is the grammar of Prakrit language. तो जो पहले 6 chapters है, उसमें संस्कृत सारे language और वो है. Last 2 chapters है, उसमें grammar Prakrit language में भी है. हेमचंद्राचार्य लक्ष्य श्लोक परिमितम साहित्यम विरचित मस्ति अस्मिन् साहित्ये अभिधान चिंतामणि इति नामक कोश ग्रंथ चालुक्य वंशोत्कीर्तनम इति नामक संस्कृत प्राकृत भाषा निबंधम द्रयाश्रय महाकाव्यम काव्यानुशासनम इति नामक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ छंदोनुशासन चेत्यादीनाम बहुनाम ग्रंथानाम समावेशो भवति। यानी कि जो हेमचंद्राचार्य है लक्ष्य श्लोक परिमितम यानी कि जो लिटरेचर था उसमें 100,000 श्लोक प्रेजेंट थे 100,000 श्लोक। फिर अभिधान चिंतामणि नामक एक डिक्शनरी भी बनाई चालुक्य वंशो कीर्तनम नामक द्रयाश्रयम महाकाव्यम एक पोयम लिखी जिसमें टू फोल्ड नेचर था। इन एवरी सिंगल वर्स इज वन साइड देर आर इलस्ट्रेशन ऑफ ग्रामर रूल्स एंड अदर साइड्स डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई थी। और फिर जो काव्यानुशासन है तो अ वर्क बाय दिस नेम अलंकार शास्त्रीय ग्रंथ भी लिखा फिर छंदोनुशासन में भी काफ़ी काम किया इत्यादि काफ़ी अलग अलग बुक्स लिखी। लिटरेचर कंसिस्टिंग ऑफ 100,000 श्लोक्स हैज़ बीन कंपोज बाई आचार्य हेमचंद्राचार्य। इन दिस लिटरेचर अ डिक्शनरी नेम्ड अभिधान चिंतामणि एन एपिक पोएम कंपोज इन संस्कृत एंड प्राकृत हैविंग टू फोल्ड आस्पेक्ट्स। उसमें एक साइड पर आप देखोगे तो स्टोरीज है विथ एग्जाम्पल्स हैं और दूसरी साइड पर आप देखोगे कि जो पोएम्स है वो लिखी है। तो एक का नाम है चालुक्य वंशोत्तरम और दूसरे का नाम है काव्यानुशासन एंड छंदोनुशासन ऐसे करके बुक्स लिखी है। गुर्जर प्रदेश लब्ध जनेरियम हेमचंद्राचार्य न केवलम गुर्जर प्राप्तेपि तो समग्रेपि संस्कृत साहित्याकाशे सूर्यवत प्रकाशते। दिस आचार्य हेमचंद्राचार्य born in region of Gujarat continues to shine very brightly like the sun not only Gujarat but also in the sky in the form of whole Sanskrit literature. आचार्य हेमचंद्राचार्य गुजरात में जन्मे थे लेकिन पूरे वर्ल्ड के ऊपर उसकी शाइन थी जैसे सन दिखते हैं ना कितना ब्राइटली शाइन करता है उसी तरह कि संस्कृत लिटरेचर में आज भी लोग उसको याद करते हैं उनको याद करते हैं।